ऐसे मत कहिए। आप तो नाना प्रकार के वरदान देते आए हैं, आशीर्वाद दीजिए हमें कि माता हमसे कभी पृथक ना हो। हाँ 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 प्रभु, हम अघोरियों को आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु कि माता हमसे प्रसन्न रहे सदा और हमसे कभी पृथक ना हो। आशीर्वाद दे दीजिए ना प्रभु। नहीं, कभी नहीं। तुमने देवी काली की शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहा है। अघोरा ने जो कहा सत्य कहा, वही होगा। शीघ्र देवी काली तुम्हारे बंधन से मुक्त हो जाएंगी। भैया, ये वही अघोरा है जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। उसने कहा था 5 दिन में माता को यहां से ले जाऊंगा। भैया, माता यहां से चली आएगी। मणि, तुम दोनों ने जो किया है, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हें उसके लिए दंड दे सकता। किंतु अघोरा तुमसे तुम्हारी भाषा में ही बात करेगा। अघोरा तुम्हें दंड देगा, पुनः सत्य की स्थापना करेगा। क्षमा कर दीजिए माँ, मैं पार्वती को अपने साथ नहीं ला पाई। क्यों रोका आपने मुझे? मैं अपनी विद्या से महादेव की ऊर्जा को नियंत्रित कर देता हूं। क्यों रोका मुझे आपने? चूकल महादेव का रूप देखा था तुमने? उन्होंने क्या कहा सुना तुमने? महादेव को नियंत्रित करना तो दूर, उसमें विचार करना भी मूर्खता है। और जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया है, उसका विनाश निश्चित हुआ है। यदि उन्होंने आज तुम्हें क्षमा किया है, तो वो इसलिए कि माता यहां पर स्थापित है। तो
अघोरा। अघोरा रोको उसे, यही उपाय है, उसे उसके यंत्र की स्थापना करने से रोको, अन्यथा माता यहां से प्रस्थान कर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल यंत्र की रचना की है और वो इस यंत्र की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ भी कर चुका है। ये इतना बड़ा सा ये यंत्र है? यदि इस यंत्र की स्थापना हो गई तो हम में से काली को कोई नहीं रोक पाएगा, और यदि एक बार काली की ऊर्जा उस यंत्र में अवशोषित हुई तो फिर उन्हें वहां से निकालना हम में से किसी के लिए संभव नहीं होगा। विकल्प क्या है तुग्र? यंत्र की स्थापना हेतु अघोरा को चारों कोने में जाना होगा। यदि किसी प्रकार तुम अघोरा को रोक सको, क्या यह संभव होगा? संभव नहीं होगा तो भी संभव करना पड़ेगा। अघोर इस समय शीत क्षेत्र की दिशा में गया है। वहां के वातावरण में वही संघर्ष कर पाएगा जो शीत और ताप को अंतर स्तर तक सहन कर सके। बताओ मल्ला, है तुम्हारे पास ऐसा कोई योद्धा?
मैंने उनके जैसे ये रूप इसलिए धारण कर लिया क्योंकि मैं वहां जाकर उनमें सम्मिलित हो जाऊं और माता की सेवा कर सकूं। प्रभु, मुझे इतना करने की अनुमति तो दे दीजिए। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आप माता को कैलाश पुनः लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसमें विलंब भी अकारण नहीं है। प्रभु, मैं क्या करूं? और प्रतीक्षा नहीं होती, माता से वियोग नहीं। प्रभु, नहीं, उससे ऐसी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। आपने मुझे आदेश दिया है कि मैं मल्ला और मणि को कोई हानि नहीं पहुंचाऊं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। किंतु प्रभु, मुझे कृपया माता के पास जाने की अनुमति दे दीजिए। मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु, इतनी कृपा दृष्टि कीजिए। तुम्हारी व्यथा को भली भांति समझता हूं नंदी, किंतु तुम्हारे लिए यह समझना अति आवश्यक है कि जो भी हो रहा है वो कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसका संबंध स्वयं आदिशक्ति से है। वो आदिशक्ति जो ऊर्जा का स्रोत है, वो अपनी इच्छा से बंदी बनी है और इसी कारण उनकी समस्त ऊर्जा वहां मल्ला और मणि द्वारा बनाए यंत्र में अवशोषित होती जा रही है। पार्वती को शीघ्र ही उस यंत्र की परिधि से मुक्त कराना होगा और इस उद्देश्य की पूर्ति का दायित्व अघोरा का है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अघोरा एक महायंत्र की रचना करेगा और जैसे ही उस यंत्र की स्थापना चारों कोनों में हो जाएगी, अघोरा का दायित्व पूर्ण हो जाएगा। समय आ गया है नंदी, पहले कोने की स्थापना करने का। नहीं, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुखिया अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत क्रूर है। यदि हमने आपको स्थान बता दिया जहां स्थापना की जा सकती है, वो हम सबको जीवित नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक 2 सप्ताह में वो निर्दयी यहां आता है और हम में से किसी एक को बलि देने के लिए उठाकर लेकर चला जाता है। जब हमने अघोरी पंथ का चयन किया तो हमें यह निर्देश दिया गया था कि हमारा जीवन मोह माया लोभ इत्यादि से मुक्त होना चाहिए एवं हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। किंतु फिर एक दिन सहसा वो हमें यहाँ लेकर आ गया। इतनी कठिन परिस्थितियों में हमें जीवन व्यतीत करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो आता है और हम सब लोगों के साथ अत्याचार करके चला जाता है। कहाँ मिलेगा वो? तुम्हें कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। We'll be right back.
मैं स्वयं ही आ गया हूं।